हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का चैप्टर 12, तीसरी हेडिंग चल रही है परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या होती है। हम यह आशा करते हैं कि किसी तत्व विशेष से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियाँ कुछ नियमित पैटर्न दर्शाएगी। हम यह मान रहे हैं कि किसी तत्व विशेष से उत्सर्जित प्रकाश की जो आवृत्तियाँ होती हैं उनमें कुछ नियमित पैटर्न होता है। किसी तत्व विशेष से उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियाँ कुछ नियमित पैटर्न दर्शाएंगी। हाइड्रोजन जो है एक सरलतम परमाणु है। और इसलिए इसका स्पेक्ट्रम सरलतम होता है। तथापि पहली दृष्टि में हमें प्रेक्षित स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में किसी क्रम या सममितता का आभास नहीं होता है। पहली दृष्टि में देखा जाए तो हमें जो प्रेक्षित स्पेक्ट्रम है उनकी रेखाओं में किसी क्रम या सममितता का जानकारी नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कुछ विशेष समुच्चय के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती है। देखें ध्यान से, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी को रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। यहाँ देखें, दूरी एच अल्फा एच बीटा में ज़्यादा है, एच बीटा एच गामा में कम हो गई, एच गामा एच डेल्टा में और कम हो गई। देखें, दूरी कम होती जाती हैं। यही बातें कही जा रही हैं कि पहली दृष्टि में हमें प्रेक्षित स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी रेखाओं में किसी क्रम या सममितता का आभास नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ विशेष समुच्चय के भीतर रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती जाती हैं, जैसा कि चित्र में आपने देखा। इसमें से प्रत्येक समुच्चय को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। ठीक है। सन 1885 में स्वीडन के एक स्कूल अध्यापक जान जेकब बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा था। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस प्रकार की पहली श्रेणी को देखा था और इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, बामर श्रेणी का फिगर देखें यहां पर, जिसमें एच अल्फा सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य, एच अल्फा जो 656.3 नैनोमीटर है, उसके बाद एच बीटा जो 486.1 नैनोमीटर है, एच गामा 434.1 नैनोमीटर है, एच डेल्टा 410.2 नैनोमीटर है, घट जा रही है। एच अनंत आप देख रहे हैं 364.6 नैनोमीटर है। ठीक है, तो लाल रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य 656.3 नैनोमीटर वाली रेखा को एच अल्फा, 486.1 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की नीली हरी अगली रेखा को एच बीटा, 434.1 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की बैंगनी रंग की तीसरी रेखा को एच गामा इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटता है रेखाएं समीप होती जाती हैं। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटेगा रेखाएं क्या होंगी, नज़दीक होती जाती हैं और उनकी तीव्रता कम होती जाती है। बामर ने इन रेखाओं की प्रेक्षित तरंग दैर्ध्य के लिए एक सरल आनुभाविक सूत्र दिया। बामर ने अनुभव के आधार पर इनके प्रेक्षित तरंग दैर्ध्य के लिए एक सूत्र दिया, 1/λ = r, 1/2 2 = 1/n². 1/λ = r, ब्रैकेट में 1/2 2 = 1/n². यहाँ लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य है, r जो है एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। यहाँ n जो है एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ यन एक पूर्णांक मान है, यन बराबर 2 से अधिक, 3, 4, 5 इत्यादि हो सकते हैं।
आर रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान 1.097 × 10^7 पर मीटर है। इस सूत्र को, इस समीकरण को बामर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, इस समीकरण में n का मान 3 रखेंगे। इस समीकरण में n का मान 3 रखकर h अल्फा का तरंग दैर्ध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस समीकरण में n का मान 3 रखें तो हो जाएगा 1/λ बराबर r का मान 1.097 × 10^7 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n, n माने 3 का स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करके h अल्फा का मान प्राप्त कर लेंगे जो कि 1.522 × 10^6 पर मीटर होगा, अर्थात लैम्डा बराबर आएगा 656.3 नैनोमीटर। ठीक है, n बराबर 4 रखने पर हम रेखा h बीटा के तरंग दैर्ध्य, इसी प्रकार n के विभिन्न मान रखकर अन्य रेखाओं के तरंग दैर्ध्य हम प्राप्त कर सकते हैं। n बराबर अनंत लेकर तरंग दैर्ध्य लैम्डा 364.6 नैनोमीटर पर श्रेणी की सीमा समाप्त की जाती है। n बराबर अनंत रखकर अर्थात तरंग दैर्ध्य लैम्डा 364.6 नैनोमीटर पर श्रेणी की सीमा प्राप्त की जाती है। यह बामर श्रेणी की लघुतम तरंग दैर्ध्य है। इस सीमा के आगे कोई स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं देती, केवल मंद सा सतत स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम की अन्य श्रेणियां भी होती हैं। हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम की अन्य श्रेणियां जैसे कि लाइमैन, पासन, ब्रेकेट, फंट की भी खोज हो चुकी है, जिन्हें उनके शोधकर्ताओं के नाम से जाना जाता है। जैसे लाइमन श्रेणी के लिए सूत्र होगा 1/λ = r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n बराबर 2, 3, 4 रखेंगे। पासन श्रेणी, इसके लिए 1/λ = r, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n बराबर 4, 5, 6 रखेंगे। ब्रैकेट श्रेणी, जिसके लिए 1/λ = r, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n बराबर 4 से अधिक 5, 6, 7 रखेंगे। फंट श्रेणी, 1/λ = r, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n², जहाँ n बराबर 5 से अधिक 6, 7, 8 रखेंगे। लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में, लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र में, और पासन ब्रैकेट फंड श्रेणियों की स्पेक्ट्रम रेखाएं जो हैं स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि संबंध C = λ होता है, C = λ होता है, अथवा 1/λ = μc होता है। इसका उपयोग करके बामर श्रेणी का सूत्र को प्रकाश की आवृत्त के पदों में भी लिख सकते हैं। तो आवृत्त μ = rc 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n² हो जाएगा। आवृत्त μ = rc 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n² होगा। ठीक है, तो समीकरण 5 से 9 के सरल सूत्र केवल कुछ तत्वों के लिए ही लागू होते हैं, जैसे हाइड्रोजन या एकधा आयनित हीलियम या द्विधा आयनित लिथियम के स्पेक्ट्रम को ही निरूपित किया जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए Li+, ठीक है, Li2+ और HI+ के लिए लागू हो सकता है। समीकरण 5 से 9 उपयोगी हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित अथवा अवशोषित की जाने वाली तरंग के बारे में बतलाते हैं। यद्यपि ये परिमाण केवल अनुभविक हैं तथा इसका कोई कारण नहीं बतलाए गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्रेक्षित की जाती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले टॉपिक में देखेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में केवल कुछ आवृत्तियां ही क्यों प्राप्त होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।